घर में से निकाले ली रुक्मिणी आंगन ठाड़ भैली आंगन ठाड़ भैली हो आहो हसी के जे पूछेली जसोदा काहे बहुआ आहो हसी के जे पूछेली जशोदा काहे बहुआ धूमिल हो। रुक्मिणी कहती है, कहने में लाज लग रहा है, क्या बताऊं आपसे आपके लाडले का। लाज शरम केरा बतिया का है तलाज लागे कहत लाज लागे ला हो सासुराती बेरा से जिया से चोरी भैल तिलरिया मोरा चोरी भैले हो सासुराती बेरा से जिया से चोरी भैल तिलरिया मोरा चोरी भैले हो। यशोदा कहती है, झांपी में से काढ़ा हूँ पीतांबरा मोतियान मांग भरा मोतियान मांग भरा हो बहुआ चली जाऊँ वृंदावन वा बसुरिया चोराईली हो बहुआ चली जाऊँ ओही वृंदावन वा बसुरिया चोराईली हो। रुक्मिणी ऐसा ही करती है, वृंदावन पहुँचती है, कान्हा का बांसुरी चुरा कर लेके आ जाती है। थोड़ी देर बाद कृष्ण आते हैं, जमुना से नहाकर धोती पसारते हैं। उहावा से आईले कन्हैया धोतिया पसार ले धोतिया पसार ले हो आहो हसी के जे पूछेली जसोदा काहे बबुआ धूमिल हो आहो हसी के जे पूछेली जसोदा काहे बबुआ धूमिल हो। कृष्ण कहते हैं कि क्या बताऊं अम्मा, लाज लग रहा है, मैं सबका चुराता हूँ, मेरा भी कोई चुरा जाएगा ऐसा सोचा न था। लाज शरम केरा बतिया का हत लाज लागे ला का हत लाज लागे ला हो अम्मा राते बेरी वृंदा बनवा चोरी भैले बसुरिया मोरा चोरी भैले हो अम्मा राते बेरी वृंदा बनवा चोरी भैले बसुरिया मोरा चोरी भैले हो। जशोदा कहती है, जे कर तिलारी चोरवला से बसुरिया चोरवला हो बसुरिया चोरव बबुआ दे दाना बहू के तिलरिया तब सुरिया दियाई घालब हो बबुआ दे दाना बहू के तिलरिया तब सुरिया दियाई घालब हो। फिर कृष्ण कहते हैं कि मेरी बांसुरी की तुलना तिलरी से कर रही हो अम्मा। ई मत जाना अम्मा
बांस के बांसुरिया खाली, बांस के ना हो अम्मा बांसुरी लागल हीरा लाल बांसुरिया मोरा सवा लख के हो अम्मा बांसुरी लागल हीरा लाल बांसुरिया मोरा सवा लख के हो। रुक्मिणी कहती है ई मत जाना सासु तिलरी मोरा तिलरी खाली लाह के हो सासु तिलरी लागल हीरा लाल तिलरिया मोरा पाँच लाख के हो सासु तिलरी लागल हीरा लाल तिलरिया मोरा पाँच लाख के हो। बड़ा प्यारा संवाद चलता है ना, कृष्ण सीधे रुक्मिणी को कह रहे हैं ना रुक्मिणी सीधे कृष्ण को, दोनों अपनी बात यशोदा को सुना रहे हैं। इतनी बात हो जाती है तो कृष्ण देखते हैं कि यशोदा तो रुक्मिणी का पक्ष ले रही है। वहां से चलते हैं और अपनी मौसी के पास पहुंचते हैं। वहां वासे चलले कन्हैया ता चलले मौसी की हा हो मौसी तो ही के अम्मा गरियावेली बहुत बात कहेली हो मौसी तो ही के अम्मा गरियावेली बहुत बात कहेली हो। मौसी कहती है कि आए ऐसा मेरी बहन मुझे ही गरिया रही है, रुको मैं चलती हूँ। अंगना बहाराई ता चेरी आता यावूरी लाउडी आना यावूरी लाउडी आना हो चेरिया चलू चलू हमारो सांगा बहिन और हन दे बेनु हो चेरिया चलू चलू हमारो ही संग बहिन और हन दे बेनु हो। कृष्ण की मौसी दो चार को साथ लेकर पहुंचती है यशोदा के पास ओरहन सुनाने के लिए, पर पूरा मामला जानने के बाद कृष्ण को ही बोलने लगती है, तुम्हारी आदत छूटी नहीं अभी तक जो पत्नी का सामान चुरा रहा है। कृष्ण की दाल नहीं गलती है, वह रुक्मिणी के गांव यानी कि अपने ससुराल निकल पड़ते हैं। गुड़वा में लगौले चाटा कौवा हथवा सोबरन सट काना हो कान्हा चली भैले सरहज नगरिया की लहरा लगाई बहो सरहज कवन आवा गुन तू कैलू की ननद तो हे गारी देवे हो। सरहज भी कृष्ण की बातों में फंसकर तुरंत तैयार होने लगती है ओरहन सुनाने जाने के लिए। झापा में से कढ़ाली साटना सारी आवारू पीतम्बारा हो सरहज परते परते रे मोहरिया ओरहन देबे जाई बहो एना नद कवन आवा गुन हामा कैली की तू गरिया वेलू हो। रुक्मिणी अपनी भौजाई की बात सुनकर हंसती है, कहती है कवन लबजी लैया
भौजी किसन के बात पति अलुआ नेरिया फसलू तू हो भौजी किसन के बात पति अलुआ नेरिया फसलू न हो। रुक्मिणी सारी बात अपनी भौजाई को बताती है। अब कृष्ण अपनी सरहज से भी चार बात सुनते हैं। सरहज कहती है, कारे बदन इतना खोटाई गोराई पर कितना गोराई पर कितना नू हो कान्हा करिया बदन राउर बाटे तलंका अगिया लगावे लहो कान्हा करिया बदन राउर बाटे तलंका अगिया लगावे लहो। कृष्ण सरहद से भी सुन लेते हैं। अब आखिर में राधा के यहाँ चलते हैं। उहावा से चला ले कन्हैया राधा के महलिया राधा के महलिया नू हो ललना झापी में से कढ़ले पियरिया राधा के पहिरावे लगले हो ललना झापी में से कढ़ले पियरिया राधा के पहिरावे लगले हो। बाकी जगह कृष्ण खाली लहरा लगाते हैं। राधा के पास पहुंचकर राधा को झांपी में से पियरी पहनाकर तैयार करते हैं कि चलो हमारे यहाँ रुक्मिणी बहुत गरिया रही है तुम्हें। राधा तैयार होकर रुक्मिणी के पास पहुंचती है। रुक्मिणी उस समय चुल्हानी में बैठकर खाना बना रही होती है। राधा पहुंचकर कहती है, भनसा बैठल तू रुक्मिणी सारा बागुन आगर सारा बागुन आगरा हो रुक्मिणी का तोरा कैनी हम जियान तू मोहे गरिया बेलू हो रुक्मिणी का तोरा कैनी हम जियान तू मोहे गरिया बेलू हो। रुक्मिणी कहती है कि राधा तुम तो मेरी बात मानोगी नहीं, कृष्ण की ही बात मानोगी, लेकिन मेरी सासू से तो पूछो। रुक्मिणी कहती है, कावन नारी दिल तो है गारी कावन नारी सुने ले कावन नारी सुने ले हो आरे कवना गुजरिया के झगड़वा के तो है गरिया बेला हो आरे कवना गुजरिया के झगड़वा के तो है गरिया बेला हो। राधा से बेहतर कृष्ण को कौन जानता। वह रुक्मिणी का दिलेरी दिलवाती है और जाते जाते कह के जाती है कि तुम घर के भी चोर हो, आना तो बताती हूँ।